अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक हैं और अपना लेसन भी जो है वो आपने कल का प्रिपेयर किया है। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन को करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स, ये हमने कल भी किया था, आज हम उसकी जो है वो नेक्स्ट लाइंस करेंगे। और प्रेप क्लास हमने पहले किया था वर्ब, किया था हमने थिंग्स वी डू, ठीक है। हमने पहले वर्ब सीखा था कि हम किन को वर्ब कहते हैं। आज हमने करना है वर्ब का यूज़ करना है सेंटेंसेस में। किस में यूज़ करना है हमने वर्ब्स को? सेंटेंसेस में, जुमलों में, ठीक है। ये वर्ड क्या है हमारा? सेंटेंसेस, ठीक है। अब हमने जो है हमारा टॉपिक वर्ब्स, उसको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हमने फर्स्ट जो है वो टू लाइंस रीड की, आज हम नेक्स्ट टू लाइंस करते हैं। हमने किया कि वर्ब की डेफिनेशन की कि कोई भी काम हो गया, एक्शन हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स, ठीक है। और वर्ब्स के साथ हम आईएनजी तब लगाते हैं जब हम किसी को कोई काम करता हुआ देखें, तब हम उस जो काम होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। जैसे अगर कोई चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? वॉकिंग, ठीक है। और चलना की इंग्लिश है वॉक, लेकिन अगर आप किसी को चलता हुआ देखेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? वॉकिंग, ठीक है। और वर्ड हमारा वॉक क्या है? वर्ब। और हमने अब इसको कैसे यूज़ किया? आईएनजी के साथ। और ये हमारा वर्ड यहाँ भी है कल के लेसन में, वॉकिंग, ठीक है। और ये था हमारा मैन के लिए था, टॉल मैन के लिए था। आज हम जो है अपना नेक्स्ट लेसन रीड करते हैं। अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट वही हैं वर्ड्स जो हमने पीछे किए थिंग्स वी डू में, वही वर्ब्स हैं हमारे, लेकिन अब हम इनको कैसे कर रहे हैं? सेंटेंसेस में, ठीक है। अब हम इनकी जो है वो पूरी एक लाइन कर रहे हैं, तो हम रीड करते हैं। ये देखें, ये जो गर्ल जो है वो क्या कर रही है? राइट कर रही है, ठीक है। अब आप इसको देख रहे हैं कि वो राइट कर रही है, वो अभी भी राइट कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? अब राइटिंग, ठीक है। अब हम इसका जो है फुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द गर्ल, ठीक है, द गर्ल इज़ राइटिंग, ठीक है। आपको पता है लिखना की इंग्लिश क्या है? राइट, लेकिन अगर आप किसी को लिखता हुआ देखें तो फिर आप क्या कहेंगे? राइटिंग। अब ये जो गर्ल है वो एक गर्ल लिख रही है, तो आप क्या कहेंगे? द गर्ल। फिर साथ में क्या कहेंगे? इज़, और फिर हम लगाएंगे वर्ब आईएनजी के साथ, द गर्ल इज़ राइटिंग, ठीक है, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। ये हमारा हो गया। अब देखें, अब जब आपने एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है तो फिर आपने लास्ट पे क्या लगाना है? फुल स्टॉप, ठीक है। ये क्या है? फुल स्टॉप, क्योंकि ये बात जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट होता है, ठीक है, एक कंप्लीट बात होती है। तो ये हमारा क्या लाइन है? द गर्ल इज़ राइटिंग। उसके बाद है नेक्स्ट है, ये देखें, ये जो है वो मैन जो है वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है, ठीक है। और आप में इसको देख रहे हैं कि वो सो रहा है, तो इसके लिए हमारा वर्ड अब क्या होगा? स्लीपिंग, ठीक है। स्लीप का मतलब सोना, लेकिन अगर आप किसी को देखें तब जब वो सो रहा है तो आप कहेंगे स्लीपिंग। अब इसका फुल सेंटेंस हमारा क्या होगा? द टायर्ड मैन, ठीक है, द टी एच डी टी आई आर ई डी, टायर्ड, द टायर्ड टी आई आर ई डी, टायर्ड मैन, ठीक है, एम ए एन मैन, इज स्लीपिंग, एस एल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग। अब उन्होंने क्या कहा है? वो कह रहे हैं जो आदमी थका हुआ है वो सो रहा है, ठीक है, थका हुआ आदमी क्या है? वो सो रहा है। और ये हमारी पूरी लाइन क्या है? एक सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। और इसमें हमने वर्ब को कैसे यूज़ किया? आई एन जी के साथ। और इसमें हमारा वर्ब कौन सा है? स्लीपिंग, ठीक है। स्लीपिंग जो है वो हमारा वर्ड क्या है? वर्ब। और हमने लास्ट पे क्या लगाना है? फुल स्टॉप। कंप्लीट हो गया ये हमारा सेंटेंस। तो आज के हमारे लेसन में टू वर्ड्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? जो वर्ब्स हैं, राइटिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है। और हमारा कंप्लीट सेंटेंस ही हमने पढ़े। तो आज का हमारा यही लेसन है, आपने इसको रीड करना है अच्छे से। ओके, अल्लाह हाफिज़।